पंतनगर में G20 मीटिंग से पहले मेहमानों के स्वागत के लिए लगाए गए फूलों और खूबसूरत पौधों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। फूलों की चोरी से इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। वहीं प्रशासन ने इस चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। G20 मीटिंग में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए सड़क के डिवाइडर पर लगाए जा रहे फूल और शोभादार पौधे मीटिंग से पहले ही चोरी हो गए हैं, जिससे परेशान जिला प्रशासन ने पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रामनगर में 30 मार्च तक G20 का सम्मेलन होना है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पंचनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक के रूट पर सौंदर्यकरण का काम युक्त स्तर पर किया गया, लेकिन सड़क के बीचों बीच लगाए जा रहे फूल और शोभादार पौधे चोरी कर लिए गए हैं, जिससे जिला प्रशासन और ठेकेदार परेशान नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क किनारे लगाए गए सोर पैनल पर भी अज्ञात चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया है। जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि पुलिस को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं और जो हमारा वेंडर ब्यूटिफिकेशन कर रहा है उसके द्वारा बताया गया है कि बहुत सी जगह जहाँ पेड़ लग जा रहे हैं शाम तक और अगले दिन वो रात को कोई चोरी करके ले जा रहा है, तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटिफिकेशन है उसको खराब ना करे और जो शहर की हमारी इमेज है वो। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।